सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें डेली वीडियो अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मटन चाप बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। आइए इनके इंग्रेडिएंट्स मैं बता रही हूँ। ये इसमें 3 मीडियम साइज के प्याज हैं, इसको मैंने पीस लिए हैं, और 2 टेबल स्पून ये है दही है, 1 टेबल स्पून गरम मसाला है, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च है, रेड चिल्ली पाउडर, और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, स्वाद अनुसार नमक है। आइए मैं इसको मिलाती हूँ। पहले तो इसमें मैं पूरा दही डाल दूँगी। ये काली मिर्च का पाउडर है, ये मैंने ऑनियन मिला रही हूँ, प्याज, ये मैंने गरम मसाला डाली, ये मिर्चा भी जो है, रेड चिल्ली पाउडर भी, ये अपने स्वाद के अनुसार डालें। बहुत लोग तीखा खाते हैं, बहुत लोग लाइट खाते हैं, तो ये मेरे घर में सभी को लाइट पसंद है, इसलिए मैं लाइट ही बनाती हूँ, तीखा पसंद नहीं है किसी को। मैं डाल रही हूँ अभी फिलहाल इतना, जरूरत पड़ेगा तो और डालूँगी। इसको मैं ऐसे करके मिक्स कर देती हूँ। इसको मिक्स करने के बाद 1 घंटा फ्रिज में डालना पड़ेगा, फ्रिज में 1 घंटा डाल दूँगी, फिर मैं बनाऊँगी। अब मैं इसको कुकर में बनाऊँगी। ये कुकर मेरा गर्म हो चुका है, उसमें राई का तेल डालती हूँ, 2 टेबल स्पून डाली हूँ। मैंने उससे पहले गोश्त को मिला करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में डाल दी थी। अब ये तेल गर्म हो चुका है, ये अब इसको मैं हाई फ्लेम पे अभी चढ़ा दी हूँ, उसके बाद बंद कर दूँगी इसको। फिर जब ये हो जाएगा तो मैं इसको फिर, ये सीटी लग चुका है मेरा, 2 सीटी। अब मैं इसको स्लो फ्लेम पे 20 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, फिर 20 मिनट के बाद देखती हूँ इसको। देखिए जी, मेरा मटन चाप बनके रेडी हो गया, तैयार हो गया। देखिए अब मैं इसको सर्व करूँगी। लाइटली ग्रेवी भी है, बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। देखिए ये बन के मेरा तैयार हो गया। अभी से आप रोटी से खाए, तंदूरी से, नान से, जिससे भी खाए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। आप भी बनाएं। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।